हमारे, मुझे लगता है कि ये जो हमारा फूड चेंज हुआ है, ये बेसिक रीजन है आपके पीसीओ को प्रमोट करने की। कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट अपना वेट नहीं रिड्यूस कर सकता। दो तरह के डिप्रेशन होते हैं, और कोई भी जो बीमारी है ना वो आप पे गालिब नहीं आती जब तक के आप इंटरनली स्ट्रांग हो के उसको फाइट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर साइमा जकी और मेरे साथ आज है डॉक्टर नगीना लाशन। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे पीसीओ के बारे में। पीसीओ के बारे में हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं और आपको हर जगह पीसीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आज हम पीसीओ के बारे में डिफरेंट तरीके से डिस्कशन करके आपको बताएंगे कि पेशेंट एक्चुअली जब हमारे पास आता है तो वो किस प्रॉब्लम्स के साथ आता है और वो मतलब कि उसको क्या परेशानी होती है और किस तरह से हम उसको नेचुरली एडवाइस दे सकते हैं और यानी उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। जी डॉक्टर गिना, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपके आप डेली हम क्लिनिक करते हैं, तो अगर हम फर्ज करें 20 मरीज देख रहे हैं तो तकरीबन 8-9 तो पीसीओ। बिल्कुल सही कह रही हो। और ये अगर आप कह लें कि रीसेंट 8-10 सालों में पीसीओ के पेशेंट बहुत राइज, पहले आपको कोई कोई पीसीओ यानी 20 में से कह लें 2 या 3, अब वो रेशो बढ़ गया बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में इससे मेरे क्लिनिक पे नहीं, शायद आपको सबको सबको ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। और जिससे भी बात करो तो पीसीओ बहुत ज्यादा है, पहले पीसीओ इतना नहीं था। इसकी क्या वजह? साइमा मुझे लगता है जितना लाइफस्टाइल लोगों का चेंज होता जा रहा है ना, ओवरऑल ही लाइफस्टाइल चेंज होता रह जा रहा है कि बैठे रहना है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करनी, गैजेट्स पे रहना है, हर वक्त मोबाइल है और या लैपटॉप्स हैं, सारा सारा दिन उसका यूज है। और आप देखें कि आपका टाइप ऑफ फूड कितना, टाइप ऑफ फूड चेंज हो गया, यानी अब वो बच्चे कह लें घर पे खाना ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा पहले देखो ना, हम कहते थे कि कभी आपका वीकेंड पे जंक हो जाता था, कभी बाहर निकल के आपने जंक खा लिया, महीने में एक बार बिल्कुल। हालांकि वैसे लोग कह रहे हैं कि जी बहुत होटलिंग एक्सपेंसिव होती जा रही है, लेकिन खत्म उसके बावजूद लोगों के जो है वो जंक का इंटेक, बाहर का इंटेक, और घर में भी अगर खा रहे हैं तो फिर वो जंक ही खा रहे हैं, ऑल्दो कि वो बेहतर क्वालिटी का है बिल्कुल, लेकिन स्टिल आप घर पे भी वो मैदा बिल्कुल ठीक है, मैदा फाइन फूड बिल्कुल, ये आपके जो इसके बगैर लोग खाना जी हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता, हमने इसके बगैर खाना ही नहीं खाना। तो अब तुम ये देखो ना कि पहले कहाँ इतना यूज होता था। अच्छा जो हम फूड की बात करें तो उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी कि वो जो ऑर्गेनिक फूड चेंज हो गया, अब हम जो अपनी तरफ से ऑर्गेनिक खा रहे थे एक्चुअली वो भी नहीं है, उसमें इतने सारे ये जो खाते और ये जो कीड़े मार दवाइयां और ये सारा कुछ जो डलता है तो ये तो तबाह कर देता है। सब्जी की कोई फायदा नहीं रहता, नहीं आपको फल लेने का फायदा नहीं बिल्कुल रहता। जो आप दूध ले रहे हो आपको ये नहीं पता उसको कितने इंजेक्शन लगा, बिल्कुल सही कह रही हो। किसी भी चीज की फूड की वो क्वालिटी नहीं रही है। आप बाहर जाते हैं तो आपको लगता है जो ऑर्गेनिक फूड का उन्होंने स्टॉल लगाया था वो बहुत महंगा होता है, और हम लोग जिनकी जराई जमीन है जो की ऑर्गेनिक फूड इजिली यूज कर सकते हैं हम तक वो अवेलेबल नहीं, गंदा पानी दिया जाता है, तो वो भी क्वालिटी फूड को शायद मेरे ख्याल में इतने ज्यादा ये जो मेडिसिन ये जो फर्टिलाइजर ये जो उसने बताया कि जी हम जो फीड देते हैं उसमें हम स्टीरॉइड डालते हैं। अब मुझे बताओ कि जब आप चिकन का मसला नहीं है, लोग समझते चिकन, ये मसला आपके गोश्त में गोश्त में भी है बिल्कुल, यही सिस्टम ये हर जगह पे ही यूज हो रहा है। ये बेसिक मेरे मुझे लगता है कि ये जो हमारा फूड चेंज हुआ है ये बेसिक रीजन है आपके पीसीओ को प्रमोट करने की, और उस पे सोने पे सुहागा उसका भी हम पे जंग बना क्वालिटी अच्छी उसमें से भी उसको भी हमने फ्रोजन करके उसको भी खराब करके और फिर खाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये एक मेन रीजन है आपके जो है। और लाइफस्टाइल में देखो ना कि अगर पहले था तो बच्चियां क्या करती थी, या बच्चे शाम को स्कूल के काम से फारिग हुए तो करीबी ग्राउंड में चले गए, फुटबॉल खेल लिया, दोस्तों के साथ खेल लिया। मुझे तो अच्छी तरह याद है हम खुद कितने अरसे तक जो है वो बैट बॉल और क्रिकेट और ये सारा कुछ खेलते थे। ग्राउंड्स अवेलेबल सेफ्टी इश्यूज हैं, बच्चे बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा फिर क्लब्स में अगर लेके जाए तो उनकी फीस वगैरह बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सारी चीज रसाई नहीं है, तो लेकिन बच्चों के लिए सेफ्टी इश्यूज, फिर वो फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, तो ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। आप ये देखें जो बच्ची आती है वो मोटापे के साथ है और आपको उसको वेट कंट्रोल के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली पॉलीसिस्टिक अफेक्ट करता है।
वेट जब बढ़ता है तो पीसीओ के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, पीसीओ के मसले बढ़ते हैं, और पीसीओ में वेट फिर कम भी नहीं मुश्किल हो जाता है, बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, बिल्कुल वेट रिड्यूस भी नहीं होने देते। अच्छा, चौथी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो स्लीप साइकिल है, हमें ये बात पता है कि हमारे हार्मोन्स जो सुबह वाले हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो रात को बॉडी से निकलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप क्या करते हैं, बच्चे चाहे पढ़ने के लिए जागते हैं, चाहे कंप्यूटर्स पे जागते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन सारी रात जागते और सारा दिन सोते, सारा दिन तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनके साथ वो भी डिस्टर्बेंस है, ये भी अगेन। अच्छा, इसको अगर हमें बताना पड़ता है, अदरवाइज लोग इस चीज को वैल्यू ही नहीं दे रहे होते कि स्लीप का साइकिल कितना इम्पोर्टेंट है। बच्चे पढ़ते हैं सारी और रात जो है वो अगर हम जैसे 12 एक बजे हम अपने टाइमिंग्स को खत्म करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि स्लीप पैटर्न अपना नॉर्मल करें, तो यूजुअली बच्चे नहीं कर रहे होते और वो सुबह तक जागना, फिर सोना, फिर उठना, फिर उस तरह से आपकी, अच्छा ना सिर्फ आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, ना सिर्फ हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि आपकी डाइट भी उससे इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर आप खा रहे हैं और आप बैठ रहे हैं और फिर आपकी फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और फिर सारी का सारा क्या करेगा, ओबेसिटी पे लैंड अप करेगा। अच्छा, फिर ओबेसिटी भी ऐसी है कि साइमा तुमने देखा है कि वो पूरा एक वो जो है ना ओवरऑल एक मोटापा नहीं आता, दैट इज जस्ट एन एंड्रॉइड सी ओबेसिटी जिसमें सिर्फ पेट के ऊपर गेन होना शुरू हो जाता है, ये आपकी वो बैठने की वजह से, बैठने की वजह से, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है पीसीओ के लिए, और ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है जो पीसीओ कॉज करता है, इंसुलिन की लेवल्स को बढ़ा देता है, और ये आपकी मेल हार्मोन्स को, बिल्कुल, मर्दाना हार्मोन्स उनको बढ़ाता है, और ये पीसीओ का बहुत बड़ा रीजन बनता है, बिल्कुल। तो जहाँ पे यानी मतलब ये बहुत बड़ा रीजन बहुत है जब आप इसको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे होते हो। अच्छा, जो पीसीओ का पेशेंट आता है वो डिप्रेशन के साथ, डिप्रेशन के साथ, और डिप्रेशन पीसीओ को मजीद खराब करता है, क्योंकि पेशेंट आप जब तक उस डिप्रेशन से नहीं निकलते आप कभी भी वजन कम नहीं कर सकते, बिल्कुल। कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट अपना वेट नहीं रिड्यूस कर सकता। दो तरह का डिप्रेशन होता है, एक वो होता है जो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देता है, और एक वो होता है जिनमें नींद डिस्टर्ब हो गई होती है और लेकिन खाने पीने की हैबिट्स डिस्टर्ब होती है, वो ज्यादा नहीं खा रहे होते, उस तरह से खा रहे होते, बिंज ईटिंग जिसको हम कहते हैं ना, कि बिना वजह की ईटिंग, मतलब उस तरह से नहीं सैटिस्फैक्टरी खा भी नहीं रहे होते और एट द सेम टाइम वो वेट भी नहीं रिड्यूस कर। अच्छा साइमा, रीजन भी तो देखो ना ये है कि एक लड़की है यंग, ऊपर से उसका बॉडी इमेज खराब होना शुरू हो गया है, तो इफेक्ट तो करता है ना, कि अगर एक बच्ची मोटी होना शुरू हो गई है, वो जो भी पहनती है उसको सूट नहीं कर रहा होता, सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, एक तो ये रीजन, दूसरा तुमने देखा ना कि इनमें एक्नी है, इसमें हिर्सुटिज्म है, चेहरे पे बाल आ गए हैं, एक्नी होना शुरू हो गई है, अच्छा फिर रंगत खराब हो जाती है, फिर अच्छा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, मेल हार्मोन्स है ना। तो अब ये तो देखो कि जब बॉडी इमेज खराब होगा तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन में जाएंगे, मजीद डिप्रेशन, वो एक साइकिल चलता है, यानी पीसीओ का साइकिल, कि आपके हार्मोन्स खराब हुए, वेट गेन हुआ, फेस खराब होना शुरू हो गया, बॉडी इमेज खराब हुआ, सोशल मीडिया का दौर है, लोग तो इतने फिल्टर, बिल्कुल, सो वो आपको वो रियलिटी से आप दूर चले जाते, दूर चले जाते हैं, सारी बड़ी, बिल्कुल सही कह रही हूं, वो आप रियल उसमें नहीं, रियल में नहीं रहते, सो ये बहुत बिल्कुल डिप्रेशन, बिल्कुल ये भी एक बेसिक रीजंस है जिसको हमने डिस्कस किया। अच्छा, लेकिन बताने की तो बात ये है ना साइमा, कि ये सारी चीजें ट्रीट हो सकती हैं, और अब तुम देखो कि अगर वो ट्रीटमेंट्स लें और वो उसको प्रॉपरली फॉलो करें तो इन सारी चीजों से वो गेट रिड कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो आप एक्सेप्ट करें कि आपको ये प्रॉब्लम है और पीसीओ काबिले इलाज है, ये अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये करें कि पीसीओ जो है वो काबिले इलाज है। ये मरीज जब आते हैं ना वो बहुत डिप्रेस होते हैं कि हमें पीसीओ, हाँ बिल्कुल, ठीक है, या फिर वो इस बात को मान ही नहीं होते कि उन्हें पीसीओ, वो कहते हैं हमारे तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं आया, नॉर्मल है, लेकिन आपने सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर पीसीओ नहीं डायग्नोस करना होता, आप उसके हार्मोन्स को, उसके फिजिकल सिम्टम्स को, वो किस प्रॉब्लम के साथ आपकी आई, इन सबको देख कर पीसीओ को डिसाइड करना। तो अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि आपको पीसीओ की प्रॉब्लम है तो मींस के पीसीओ की, बिल्कुल सही कह रही हैं। दूसरी बात ये है कि देखो जैसे ही हमने वो तुम्हें याद है ना कि हम पढ़ते ही थे ये रोटरडैम क्राइटेरिया के, जी हमने डायग्नोज कर लिया पॉलीसिस्टिक को, तो पेशेंट आपका जिन सिम्टम्स के साथ के पीरियड्स नहीं आ रहे या उसका जो है वो ब्लीडिंग कम है, इरेगुलर साइकिल है, चेहरे पे बाल है, सारे हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेट है, तो आप उसको डायग्नोज करते हैं विद द अल्ट्रासाउंड, लेकिन उसके साथ ही पेशेंट का चेक तो फिजिकल अपीयरेंस ही आपको एक डायग्नोस्टिक वैल्यू दे देती है, बिल्कुल। दूसरा ये कि आप उसका चेहरा देख, दूसरा ये कि आपने उसका अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड पे आपको आइडिया हो जाता है, फिर तीसरा आपने उसका हार्मोनल प्रोफाइल करा लिया, उस पे आपको आइडिया हो गया। इतना डिसीविंग है अभी तक इसके बारे में कोई वो पूरी तरह पहुंच नहीं पाए, वो रिसर्च किए जा रहे हैं और क्राइटेरिया जो डायग्नोसिस किए होते हैं ना कि इस पर हमने पीसीओ डायग्नोस कर ली, ये भी चेंज हो रहा है। यस बिल्कुल, ये भी रैपिडली चेंज हो रहा है, यानी इस पर इतनी ज्यादा रिसर्च, एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा, लेकिन स्टिल अभी तक वो कह रहे हैं ना कि इसका परमानेंट इलाज वो नहीं है।
तो हमारे पास क्या रह जाते लाइफस्टाइल और मॉडिफिकेशन। अल्टीमेटली हमने अपनी लाइफस्टाइल को ही चेंज करना है, बिल्कुल। और नेचुरली आप लोग पीसीओ के सिम्टम्स को बहुत हद तक बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बारे में अब हम बात करेंगे क्या क्या नेचुरल मेथड्स हैं जिसपे हम अपने वेट को कंट्रोल कर लेंगे, पीसीओ के सिम्टम्स को। अच्छा देख साइमा, मुझे तो लगता है सबसे पहले जो लाइफस्टाइल में करना चाहिए ना, नंबर वन ये है कि फिजिकल एक्टिविटी। उसमें ना देखो आप डिप्रेशन से भी निकलोगे, सेरोटोनिन रिलीज होगा, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप हैप्पी रहना शुरू होंगे, आप खुश रहेंगे। अच्छा फिर जब आप जाएंगे कहीं जिम जाएंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैंने आज के दिन की कुछ एफर्ट की है टुवर्ड्स माय ट्रीटमेंट, ठीक है। आपको ये नहीं फील होगा कि यार मैं बिल्कुल स्टैग्नेंट बैठा रहा हूँ। तीसरी चीज ये होगी कि जब आप वो फिजिकल एक्टिविटी शुरू करेंगे तो समहाउ वो जो एंड्रॉयड ओबेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जब वो सेंटीमीटर्स ही कम होने शुरू हो जाते हैं तो आपका जो पॉलीसिस्टिक है वो रिवर्स में जा चला जाता है, वो बहुत पॉजिटिव चेंज yes, है क्या? Yes, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट इतना खुश होते हैं, महीने में 2-3 किलो वजन कर लिया, अगले महीने भी 2 किलो वजन, उसके बाद क्या होता yes, है? टक हो जाता है, टक हो जाता है, सबके साथ होता है। और ये वो टाइम होता है जिसमें से आपने उसको डिप्रेशन से निकालना है कि यार ये ठीक हो जाए। आप उसको कहते हैं कि नहीं लगे रहो इसी के साथ, और फिर वो वक्त आता है कि कुछ महीनों के बाद वेट ऐसे गिरता है, ड्रॉप होता है, बिल्कुल। वो यानी वो आप उस उसमें से निकल जाए, यानी आपके लिए एक साल की स्ट्रगल है, बिल्कुल। एक साल के बाद आपका वेट ऐसे कंट्रोल होना शुरू, सही बात है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली तो आप खुश होते हैं, उसके बाद फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं, और वही टाइम होता है लोग छोड़ देते हैं। अच्छा दूसरा ये भी है कि जब आपने चले करना शुरू कर दिया फिजिकल एक्टिविटी, हाँ। तो उसके साथ साथ ना डाइट की मॉडिफिकेशन है। अच्छा अब उस डाइट में पहला तो ये करें ना कि सारा जो आपका जो जंक है ना उसको माइनस कर दें, टोटल छोड़ें, ये नहीं करना कभी खा लिया करें, नहीं वो भी नहीं करना, टोटल जंक को छोड़ें, फिजी ड्रिंक्स को छोड़ें और शुगरी आइटम्स को छोड़ें, फिर आप जाएं टूवर्ड्स के जी मैंने को डीप फ्राइड आइटम्स को कम करना है, फिर जाएं इस तरफ के मैंने हाई प्रोटीन डाइट खानी है, और चौथा ये कि वाटर कंटेक, जितना 2.5-3 लीटर पानी पी सकते हैं ना वो पानी पिए ताकि फ्लश आउट हो आपकी चीज़ें, उससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, उससे आपके जो सारे आपने जो गंद मंद खाया हुआ है ये सारे का सारा बेहतर हो जाएगा। सबसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कह ले तो हम कह लें कि आपने प्रोटीन्स का इंटेक ज्यादा कर, यस प्रोटीन्स का मतलब है कि गोश्त के आइटम्स या इस टाइप की चीजें, वो आपकी बॉडी में फैट को इतना इजाफा नहीं करते। आप फैट्स को माइनस करें अपने, अगर लेनी भी है तो नेचुरल फैट्स लें, घी वगैरह, मक्खन देसी वाला जो आप बिल्कुल वो लें आप, और या फिर और आप जो चीज आपने बिल्कुल कम कर देनी है वो कार्ब्स है, yes. कार्बोहाइड्रेट्स है, अपने शुगर्स है, केक्स है, बेकरी है, मैदा, ये आप निकाल दें। फाइबर को बढ़ा लें फिलिंग के लिए, जैसे आप सैलड्स लें या फ्रूट्स ले लें, आप दूध का कोई ना कोई पोर्शन कहीं दही की फॉर्म में किसी फॉर्म में ले लें, ठीक है, बीन्स ले लें, ये चीज है, मतलब आप जैसे आप चने ले सकते हैं, आप दालें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बहुत पॉजिटिव रोल है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आप ऐसा बनाएं अपना रूल कि आप दिन के एक हिस्से में खाएं और एक हिस्से में बिल्कुल मत खाएं। वो टाइम होता है जब जो आपकी बॉडी का फैट और दूसरा लाइफ स्टाइल की चेंज है, डाइट की चेंज है, ये आपने फिर सारी उम्र के लिए रखना होता है। ये याद रखिएगा कि पीसीओ लोग कहते हैं मेरा पीसीओ दवाई से ठीक हो गया, पीसीओ ठीक नहीं होता, पीसीओ वही होता है, हाँ उसकी जो आपकी बाहर से कहने के सिम्टम्स हैं हाँ, वो बेहतर हो जाते हैं और आपने उसी को ही ठीक करना होता है। अच्छा इसमें ना आपने ऐसे समझना है जैसे आपको शुगर हो गई, जैसे आपको ब्लड प्रेशर हो गया, तो आप क्या करते हैं उसको दवाई से कंट्रोल करते हैं। पॉलीसिस्टिक में भी यही करना है कि आपने उसको कंट्रोल करना है, और कोई भी जो बीमारी है ना वो आप पे गालिब नहीं आती जब तक कि आप इंटरनली स्ट्रांग होके उसको फाइट नहीं करते। आप उसको फाइट करें, आप उसको डाइट के जरिए, लाइफस्टाइल के जरिए, मेडिकेशन के जरिए, लेकिन आप उसको ऐसा कंट्रोल करें कि वो जो है ना आपके ऊपर इंपोज ना कर सके अपना। और ये लाइफस्टाइल चेंजेस मुश्किल लगती है, बाद में हैबिट बन जाती है, आदत, फिर आपको वो दिल ही नहीं करता कि यार अच्छा मैंने जंक भी खाना है, अच्छा मैंने फिर, अब जब वो चीजें ही आपको पसंद आनी खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे ऐसी चीजें भी दी जा सकती है जिससे आपके जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे प्रेगनेंसी का होना या हार्मोन्स को जैसे कंट्रोल करके पीरियड्स को लेके आना, वो एक एडिशनल चीज है, उस पर हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, हमने आपको सिर्फ बताया कि नेचुरली आप जो है वो किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इतना एडवाइस इंफॉर्मेटिव है, मेरे ख्याल में काफी इंफॉर्मेटिव है, इस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा, होपफुली इससे आपको जो है कोई ना कोई फायदा हुआ होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।